फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर की सरफेस से फ्लक्स बताना है आपको। तो दो तरीके हैं इसको बताने के, हेमिस्फीयर की सरफेस से। हाँ सही है अक्षत, आपको इसको बताने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसा बोलो, देखो इस सरफेस से ऐसी कोई फील्ड लाइन्स है क्या जो सर्कुलर बेस से जाती हो और कर्व सरफेस से नहीं जाती हो, बताइए मुझे। ये जो फील्ड यहाँ से पास होगा आपका, फील्ड लाइन ये आगे भी ऐसी है, तो कोई ऐसी फील्ड लाइन है क्या जो सर्कुलर सरफेस से जा रही हो और कर्व सरफेस से ना जा रही हो, ठीक है? या कोई ऐसी फील्ड लाइन जो सर्कुलर से कर्व सरफेस से जा रही हो बट सर्कुलर से नहीं आती हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सारी फील्ड लाइन दोनों से सेम पास होगी, यूनिफॉर्म फील्ड है तो सब जगह है, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना फ्लक्स इस बेस से पास होगा उतना ही फ्लक्स कर्व सरफेस से भी पास होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही किसको? फ्लक्स थ्रू द बेस विल बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। तो बेस से निकालना बहुत आसान है कि नहीं है, क्योंकि ई वैक्टर और एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? ई वैक्टर और एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर है, बात आ रही है समझ में? अब कर्व सरफेस पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, क्योंकि भी ओपन सरफेस है कर्व सरफेस भी, ठीक है? तो बेस से जितना फील्ड लाइन जा रही है सारी कर्व सरफेस से जा रही है, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे इसलिए? फ्लक्स टू द बेस विल बी इक्वल टू फ्लक्स टू द कर्व सरफेस, और अगर यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी ई है तो कितना आ जाएगा ये? ए इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो E इंटू पाई आर स्क्वायर आपका बेस से जाने वाला फ्लक्स हो जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? E इंटू पाई आर स्क्वायर में तो आप मुझे बताइए, बात क्लियर है यहां तक? और दूसरा मेथड में क्या बोल रहा हूँ कि इसको आप इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट डी वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने एरिया वेक्टर में होपफुली ध्यान से ही पढ़े थे लास्ट लेक्चर में और रिवाइज भी किया होगा घर पे उनको। तो थीटा एंगल पर ये स्मॉल एरिया ले लिया डीए वेक्टर, ठीक है? थीटा एंगल पर ये स्मॉल एरिया ले लिया डीए वेक्टर, तो इस स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना है बताओ? इस स्मॉल एरिया डीए से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर होगा कि नहीं? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ई इंटू डी ए, ई वेक्टर इधर था, थीटा एंगल ये, कोई दिक्कत तो नहीं? इस डायरेक्शन में था यूनिफॉर्म फील्ड, किसी थीटा एंगल पर कोई एलिमेंट लिया तो उससे पास होने वाला फ्लक्स ये हो जाएगा। ई सब जगह सेम है, ठीक है? तो इसलिए जब आप इसको ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन डी फाई करेंगे पूरी सरफेस के ऊपर हेमिस्फीयर के, तो ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डीए कॉस थीटा बन जाए, ठीक है? ई बाहर आ जाएगा और ई क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ई डीए कॉस थीटा। अब डीए कॉस थीटा देखो आप, ये आपका डीए है और ये आपका थीटा है, तो ये देखो आपका डीए कॉस थीटा का प्रोजेक्शन कौन सा होगा? ये इन सबको आप प्रोजेक्ट कर दो भाई। तो एक तरह से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये परपेंडिकुलर प्लेन है, तो इस सरफेस को ऐसे चिपका दो एक तरह से, ठीक है? तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या मिलेगा आपको? इस तरह के हेमिस्फीयर को चिपकाओगे। ये टेक्निक आगे भी काम में आएगी, इसलिए बता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म फील्ड में इस तरह की सरफेस से अगर फ्लक्स लिखना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस ई वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया देख लोगे, हमेशा वही आ जाए। कैसी भी सरफेस हो सब डी ए कॉस थीटा करके यहाँ प्रोजेक्शन एरिया, अब इसमें अलग अलग चीज में अलग अलग आएगा, वो देखेंगे भी अपन, बट इस हेमीस्फियर के केस में ये प्रोजेक्टेड एरिया ई वेक्टर के परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा? सर्कल निकल के आएगा, ये बात भी हो चुकी है अपनी, ठीक है? तो ये जो प्रोजेक्टेड एरिया आएगा सारे डी ए कॉस थीटाज आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे बेस पे, तो ये पूरा बेस कवर हो जाएगा, इसलिए आपका ये फ्लक्स कितना आ जाएगा? ई इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चिपका दो आप सरफेस को, बहुत जगह आपका फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है ना? यहाँ पर एक तरह से दीवार बना लो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और उसको जैसे चिपका दो, जो फिगर बन रही होगी उसको, वही एरिया क्या है आपका? प्रोजेक्टेड एरिया, वही आपका इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा हो, ठीक है? तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन और करेंगे, पहले इसका जवाब दीजिए आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस,
शोन इन द फिगर पैरेलल टू एक्सेस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस। ये आपकी सिलेंड्रिकल सरफेस है और इस तरह इसकी यूनिफॉर्म फील्ड है इसकी एक्सेस के पैरेलल, ई वेक्टर यूनिफॉर्म है। तो फाइंड आउट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो इस सिलेंडर की कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना होगा बताइए। फाई थ्रू कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, फाई थ्रू कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर कितना आएगा कर्व सरफेस से, बता सकते हैं कि आप लोग? नहीं बता पा रहे बताइए। कर्व सरफेस और ई वेक्टर, कर्व सरफेस तो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ना, कर्व सरफेस का रेडियस वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो ई वेक्टर और डीए वेक्टर कहीं भी ले लो आप, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर हमेशा क्या बनेगा, ई इंटू डीए इंटू कॉस 90 बनेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई तकलीफ तो नहीं बेटा आप लोगों को ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर से डी फाई निकालने में, बताइए। फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, तो डी फाई है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, एंगल कितना ई वेक्टर डीए वेक्टर के बीच का 90, तो डी फाई कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा। डी फाई तो डी फाई 0 आएगा तो फ्लक्स निकालोगे इंटीग्रेशन डी फाई करके तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 होगा, कर्व सरफेस से 0 फ्लक्स पास हो। ये सब आना चाहिए बेटा तभी पूरी पढ़ाई होती है, सब छोड़ा नहीं जा सकता ये, ठीक है ना? हाँ बताइए बेटा। मेरा ये तो 3 बार पहले बता चुका हूँ मैं, आपने एरिया वेक्टर वाले नोट्स रिवाइज नहीं की।